आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत ऑपरेशन प्रहार को अब लगातार सफलता मिलती जा रही है। इसी कड़ी में मुखबिर से मिली सूचना के बाद चोरहटा थाना पुलिस और नोबस्ता चौकी द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक स्मैक जब्त की गई है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर नौबस्ता चौकी प्रभारी मनोज गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी राजेश प्रताप सिंह परिहार, पिता कृष्ण प्रताप सिंह परिहार, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम बरती छिबौरा, थाना रामपुर बघेलान, जिला सतना द्वारा स्मैक बेचा जा रहा है, जिसके बाद घेराबंदी कर युवक को पकड़ा गया और उसकी ली गई तलाशी के दौरान 5.5 ग्राम नशीला पदार्थ स्मैक मिला है। पकड़ी गई स्मैक की अनुमानित कीमत 11,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी द्वारा शहर व देहात में घूम फिरकर स्मैक का कारोबार किया जाता था। आरोपी के पास से पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी जब्त किया है। आरोपी के विरुद्ध NDPS के तहत मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान निरीक्षक अविनाश पांडे, उप निरीक्षक मनोज गौतम, सहायक उप निरीक्षक राकेश कुमार, आरक्षक रविशंकर द्विवेदी की सराहनीय भूमिका रही।